बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडकार पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर हुई हिंसा को लेकर जहां सोशल मीडिया के ऊपर राय है वो अलग अलग बटी हुई है। कुछ लोग कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता है उनको इसका गुनहगार मान रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इसको दरकिनार कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि बीजेपी के इस नेता का कोई रोल नहीं है। वहीं आपको बता दें बीजेपी की तरफ से है वो आम आदमी पार्टी के नेता जो ताहिर हुसैन है, पार्षद जो है, उसका नाम आगे किया जा रहा है। मीडिया की तरफ से भी उसका नाम किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ मीडिया संस्थानों की तरफ से एक नाम और सामने आया है, वो है भीम आर्मी। भीम आर्मी के बारे में भी कई सारे मीडिया चैनल्स ने इस बात को लिखा है कि भीम आर्मी के लोगों ने ही सबसे पहले पथराव किया था, उसके बाद पूरे देश भर के अंदर दंगा हुआ। पुलिस ने जो मीडिया संस्थान है उनकी जो अलग अलग वेबसाइट है उनके ऊपर जाकर जब उन्होंने ये न्यूज खंगाली, जगह जगह पर ये न्यूज देखी, तो वो न्यूज को देखने के बाद आपको बता दें कि एक चीज कॉमन थी कि वहां पर किसी भी पुलिस अधिकारी का किसी भी न्यूज चैनल ने नाम नहीं लिखा, किसी पुलिस वाले का नाम नहीं बताया। उन्होंने यही लिखा कि एक पुलिस अधिकारी ने बताया, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, नाम ना छापने की शर्त पर। आपको बता दें कि जो पुलिस पास पुख्ता सबूत है, पुलिस के पास ये जानकारी है कि बीमारी के लोगों ने ये सब कुछ किया है, तो उसको ओपन करने में क्या प्रॉब्लम है। जब आपको बता दें कि अगर कोई पुलिस का अधिकारी है, चाहे वो SPO चाहे DSPO चाहे DIG हो, तो अगर वो जानकारी दे रहा है किसी भी चैनल को, न्यूज चैनल को, तो कम से कम उसे अपना नाम तो बताना चाहिए कि इस न्यूज चैनल के अधिकारी ने ये बताया है, इस न्यूज चैनल को बताया और इस अधिकारी ने बताया, क्यों नहीं बता रहे। सच मानने की कोशिश हमने अगर जब पड़ताल करने की कोशिश की तो आपको बता दें कि अभी तक इस तरीके की कोई खबर ये सामने नहीं आई कि भीम आर्मी ने दिल्ली हिंसा में किस तरीके का कोई तनावपूर्ण माहौल देखने की कोशिश की है। आपको बता दें कि जिस दौरान ये दिल्ली के अंदर सब कुछ हुआ, उस दौरान भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी दिल्ली से कहीं दूर जो महाराष्ट्र है वहां पर थे। तो यानी कि कुल मिलाकर हम देखने की कोशिश करें तो भीम आर्मी का इसमें कोई भी रोल नजर अभी तक नहीं आ रहा है। हालांकि ये चीज साफ है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर अकाउंट से ये बात लिखी है कि बीजेपी का शिकार, यानी बीजेपी की जो साजिश है बहुजन समाज के खिलाफ, उसका शिकार भीम आर्मी हो रही है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने लगाया कि सब कुछ आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। बीजेपी जानबूझकर भीम आर्मी को बदनाम करने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा फैला रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी की तरफ से भीम आर्मी या बहुजन समाज के खिलाफ लगातार इस तरीके की बातें सामने आती रहती है। हालांकि आपको बता दें कि अगर किसी भी तरीके की गलत गतिविधियों में भीम आर्मी का कार्यकर्ता या कोई नेता रहता है शामिल, तो कम से कम पुलिस अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए। इस तरीके से सूत्रों के हवाले से या संकेतों के हिसाब से किसी भी संगठन या किसी पार्टी का नाम बदनाम करना बहुत ज्यादा खराब है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।